तो देखिए दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ कि सब हम जो दो दिन से पढ़ रहे हैं वो जानने के लिए तो बहुत अच्छा है, और पेपर में आने के लिए थोड़ा सा टिपिकल है। बस दो नंबर का क्वेश्चन बहुत ही छोटा होता है और दूसरे ज़्यादा बढ़ाना नहीं, ऑब्जेक्टिव दुगाने हैं। और जैसे गोबेक वाला ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया था कि वो आता है। तो आज हम चर्चा करेंगे विद चुमेर रंग खोज वोज हो गई, ये सब हो गई है, और इतने सारे प्रमाण मैंने कहेंगे प्रकाश भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बहुत सारे गुण हमें पता चल चुके हैं जो हमने कल सीखे थे। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो कणों के कंपन से नहीं होती, वो विद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर के कंपन, मतलब केवल उनके कम बढ़ होने से होती हैं, ठीक है। और निर्वात में गमन कर सकती हैं, तो प्रकाश का प्रकाश के वेग से गति करती हैं, ठीक है। ऐसे कई गुण हमें कल चले गए पता, मतलब पेपर में आता विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते, दो गुण लिखिए, दो गुण तो आपको चले ही गए पता, ठीक है। कुछ और गुण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ खास, उसके लिए आपको यहाँ पे देखना होगा, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे तीन स्लाइडें हैं जिनमें एक पतला सा क्या है, छिद्र है। ये समझ सकते हैं जैसे पुट्ठी के तीन डिब्बे रखे गए हैं, बिल्कुल सीधे में उनसे क्या किए गए हैं, छेद। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ से हल्का सा प्रकाश आता हुआ क्या दिखाई देगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का वो भाग है जो दिखाई देता है, जो प्रकाश है, प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो समझा रहे हैं। तो हल्का सा भाग आता हुआ दिखाई देगा। तो अब अगर आप इस साइड को ऊपर कर दें तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब आप गौर कीजिए, सोचिए इसकी जगह अगर एक पानी की धार होती, क्या होती, तो अगर आप ऊपर करते तो भी रोहित वो ऊपर से फ्लो होके यहाँ आती, पानी फुल होने लगता तो ऊपर से फ्लो होके वो आती, कि पानी की धारा में सीधी चले ये जरूरी नहीं है। पर ये एक बहुत बड़ा फेनोमेना है कि जो प्रकाश है वो हमेशा क्या चलता है, सीधा, इसलिए परछाई बनती है, क्या बनती है, प्रकाश रुक जाता है इसके, ऐसा नहीं कि इसने बच्चे यहाँ से निकल गया। अब आगे जाके विवर्तन वर्तन पढ़ाएंगे तब समझाएंगे, प्रकाश थोड़ा बहुत मुड़ भी जाता है, वो देखा जाए कल की बात, पर अभी तो नॉर्मल सी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। तो ये अपना नेत्र है, कोई दिक्कत है बेटा, अब अगर अपन इसको ऊपर करते हैं तो ये रुक जाती है, ये इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें भी सीधी रेखा में गमन करती हैं, अगर माध्यम चेंज नहीं हो रहा है, एक ही माध्यम को लगातार सीधी रेखा में गमन करती जाएंगी। चलिए एक और प्रैक्टिकल, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा के रखी हुई है, एक प्लेट प्लस की एक प्लेट काय की है, ये प्लेट आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा कैथोड किरणों में, प्रैक्टिकल जरूर किया होगा कि अगर हम यहाँ से कैथोड रे लेके आते हैं, कैथोड रे, तो जैसे वो प्लेटों के बीच आएगी तो क्या हो जाएगी, रोहित, प्लस प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है, हाँ, क्योंकि वो ऋण आवेशित होती है। कौन सी आवेश होती है, ऋण आवेश। ऐसी अल्फा कहाँ मुड़ जाती है, ऋण प्लेट की ओर, सुना होगा अल्फा गांव बेटा सुना है। लेकिन अब अगर आप चाहें तो घर पे भी कर सकते, बहुत मामला जी, बड़ी सी बैटरी लाओ, दो प्लेटें रख लो प्लस माइनस की, और अगर प्रकाश को आप आने दें तो क्या प्रकाश मुड़ेगा, इससे सिद्ध होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। इतनी सारी बात कर ली हमने, कल से हम यही कर रहे हैं, ये सुना रहे, वो सुना रहे, ऐसा वैसा। तो अब अपन आपको क्वेश्चन बता दें, पेपर में आ सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं कि कोई दो गुण लिखिए। तो भैया आपको तो 10 पता है, पर लिखना पेपर में दो ही अच्छे वाले, जो भी आपको पसंद आए। तो परिभाषा पता होनी चाहिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से, ये बात मैंने आपको बताई है क्या लंबवत होना क्यों जरूरी है, ज्यावक्रीय दोलन क्या कहलाता है, और किस किस के दोलन है, कणों के दोलन नहीं है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से। विद्युत क्षेत्र पहले बढ़ता है फिर गिरता है, इसी को क्या बोलते बेटा, दोलन कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के दोलन अलग हो रहे हैं रोहित, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन अलग हो रहे हैं, और ये दोनों दोलन तरंग संचरण क्या है, लंबवत है, मतलब ये तरंग संचरण है तो ये विद्युत क्षेत्र के दोलन है, तरंग के लंबवत है, और ये चुंबकीय, ये भी तरंग के क्या है, लंबवत। तो दोनों दोलन क्या है जो वो विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा जो उसके क्या होते हैं, लंबवत। ये नहीं भी लिखना तो उत्तर चल रहे हैं। फिर गुण, पहला गुण है ये परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र चुंबकीय ज्यावक्रीय दोलनों से उत्पन्न होती है। ये गुण अपन को पेपर नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज यही तो अपन ने काय में लिख दिया है परिभाषा, पर नहीं याद रहे तो लिख देना। फिर ये तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, जिनमें तरंग संचरण की लंबवत दिशा में कंपन होते हैं और ध्रुवित होते हैं, ध्रुवित मतलब उनके कंपन एक विशेष दिशा में रखने पर कट भी सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं। और अपन पढ़ेंगे ध्रुवण फिर से, प्रकाश का ध्रुवण भी है अपने सिलेबस में। निर्वात में इनकी चाल किसके बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3×10⁸। विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता ये मैंने आपको बताया, अतः ये तरंगें निर्वात में भी गति कर सकती हैं, इसी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है। अगर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता तो उसको यहाँ तक आने के लिए माध्यम चाहिए, जबकि अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है। फिर निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगें सीधी रेखा में गमन करती हैं, अभी मैंने आपको एक प्रैक्टिकल के द्वारा बताया।
विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कोई आवेश नहीं होता, ना ये विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है, ना ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, ना मैं विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन ना आवेश है ना कोई चुंबकीय प्रभाव है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या हूँ विक्षेपित। नहीं तो ऐसा होता है कि जहाँ साउंड की चुंबक लगी हमें लाइट मारी, पूरी लाइट तक चुंबक की तरफ चली गई। चलिए मेरे भाई अगला क्या लिखा है, तरंगे परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण ये सब क्रियाएं हैं। इनमें से आपने परावर्तन अपवर्तन सुन के रखा होगा, जितने याद रह जाए उतने लिख देना कि इनके गुण का प्रदर्शन करती है। वो तो प्रकाश है, प्रकाश इन सबको प्रदर्शन करता है। अब रोहित इन तरंगों में ऊर्जा और संवेग होता है, कोई बड़ी चीज नहीं, सब तरंगों में ऊर्जा और संवेग होता है, तो टाइम पास है कुल मिला के। अतः किसी तरह पर आरोपों पर क्या आरोपित करती हैं, दाब आरोपित। हाँ ये बात है कि ऊर्जा ज़्यादा होने पर ज़्यादा दाब आरोपित कर सकती हैं, कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो क्या कर सकती है, वो आपको आज नहीं तो कल तो चले ही जाएगा पता, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। ये तरंगे अपने साथ साथ ऊर्जा का क्या करती हैं, स्थानांतरण, मतलब ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, सब तरंगे यही करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो होशियार बच्चे हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो तरंग में पढ़ के ये दो दो पॉइंट तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यह ऊर्जा जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से क्या रहती है, वितरित रहती है। वही कभी विद्युत ऊर्जा अधिकतम चुंबकीय की ऊर्जा न्यूनतम, और चुंबकीय ऊर्जा तो विद्युत ऊर्जा। चलिए छोड़िए इन सब बात हो, ये एक जो कल मैक्सवेल का समीकरण था याद होगा, सेकंड वाला याद है कि तरंग संचरण के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के बराबर होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण दिशा क्या होती है, ई क्रॉस बी। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, क्या वो क्या करना है, अपना अंगूठा लेना और ई से कहाँ जाना है, बी, ई क्रॉस बी, तो वो क्या होगी तरंग संचरण की दिशा। तो ये सारे पॉइंट मैंने तेसारा को बता दिए, समझ में आए कि नहीं आए, पेपर आपको कोई दो ही लिखना है। एक चीज़ और याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पादन विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र समान कला में, जब ये अधिकतम रोहित तब ये अधिकतम, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ऊर्जा की बात नहीं कर रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इसके कंपन अलग हो रहे हैं, इसके कंपन अलग हो रहे हैं। ठीक है, चलिए सबको समझ में आया बेटा, इतना कोई भी दो बोल सकते हैं आप, तो परिभाषा बोल के दिखा दीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के ज्यावक्री दोनों से उत्पन्न होती हैं। दो पहला तो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ध्रुवण गुणों का प्रदर्शन करती हैं, और ऊर्जा होती है, संवेग होता है, जिस आरोपित उस पर दाब आरोपित करती हैं। चलिए आराम से ये क्वेश्चन है, क्या तरंग, क्या कारण है कि प्रकाश तरंगें निर्वात में चल सकती पर ध्वनि तरंगें नहीं, आप इसका आंसर देने में सक्षम है, कौन देना चाहेगा? नहीं, अनुप्रस्थ वाली भी पदार्थक होती हैं, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि अनुप्रस्थ अनुवेद, असल में ये है कि प्रकाश तरंगें क्या हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। अनुप्रस्थ अनुवेद तो हमने पहले भी पढ़ी है ना, पदार्थक वाली ही पढ़ी है ना, तो ऐसे नहीं मनो करना है, तो प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं और इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, इसलिए निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इसकी विपरीत ध्वनि तरंगें क्या हैं, यांत्रिक, अनुप्रस्थ तरंगें भी होती हैं यांत्रिक वाली, यांत्रिक के दो भाग होते हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ बोलना एकदम ही क्या है, गलत है, है ना, ये कोई बात नहीं होती कि अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये कोई बात नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगें एक विशेष प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगें हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, तो वापस आते हैं, इसकी विपरीत ध्वनि तरंग क्या है, यांत्रिक तरंगें, जिनके संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम, पदार्थिक मतलब कण होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कण होना नितांत आवश्यक, वो उस कण ही क्या करेंगे, कंपन करेंगे। अगर कमरे में निर्वात और आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ दूसरे तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपके द्वारा जो कार्य किया गया उसकी ऊर्जा आप संतुलित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आया, इतना सा क्वेश्चन है, दो नंबर के लिए काफ़ी है। अब ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत दिमाग खराब होगा, पर ऐसे से मुंह बनाए रहें आप, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरा। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पर, मेरे बच्चों का फेवरेट अंतर, विद्युत चुंबकीय तरंगें और ध्वनि तरंगों में अंतर। वैसे तो कोई दो अंतर भी कर लें तो भी आप पर्याप्त होगा, लेकिन इतने सारे हैं तो मैं तो लिखवा देता हूँ, आप समझ लीजिए फिर बोल दीजिएगा, परिभाषा बोल दोगे और दो गुण, हाँ पूछ ले रहे, ये होती हैं अनुप्रस्थ और ध्वनि होती हैं अनुप्रस्थ। कल ही बता दिया था मैंने आपको कि ध्वनि में कैसे कंपन करते हैं, जब एक दूरी है तो ऐसे ऐसे कण कंपन करते हैं, फिर ये ध्रुवण का गुण दर्शाती हैं, नहीं दर्शाती, देखो अनुदैर्ध्य तरंगें ध्वनि गुण नहीं दर्शाती, अनुप्रस्थ दर्शाती, उनका कंपन लंबन है, लंबवत है, तो कट सकते हैं, इसके कैसे कट जाएंगे, क्योंकि वो उसी तार की दिशा में होते हुए, तो बीच में जब लाओगी तो तार के साथ हैं, तार को थोड़ी काटोगे। फिर ये तरंगें विद्युत चुंबकीय दोलनों से उत्पन्न होती हैं, ये तरंगें माध्यम के कणों के दोलनों से उत्पन्न होती हैं, इन तरंगों से माध्यम से नहीं होती, आवश्यकता होती है, ये तरंगें निर्वात में भी, ये तरंगें निर्वात में भी गमन पक्का हो जाएगी सब यार, इन तरंगों का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता और इनका वेग निर्वात में होता है 3×10⁻¹ मीटर प्रति सेकंड, माध्यम पर निर्भर करता है पर माध्यम की
ताप पर निर्भर नहीं करता, लेकिन ध्वनि तरंग निषेधी माध्यम के ताप पर निर्भर करेगा, क्योंकि ताप बढ़ने से कण क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो ध्वनि तरंग आपको ये बात पता है, नहीं पता है? पता है कि ध्वनि तरंग का वेग ताप पर निर्भर करता है? नहीं पता। वेग पता है 332, वो भी नहीं पता। 332 मीटर प्रति सेकेंड, वो भी कब होता है? 0 डिग्री से। गायब होता है 0 डिग्री से। उसका उनका वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। सबको समझ में आई मेरी बात? तो वो तीन तो याद रह जाएंगे, सुनना नहीं रह जाएंगे। तो एक आध दो बोल दो फिर, क्या है विद्युत चुंबकीय की तरंगें? अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। आराम से आराम से। इनके संचरण के लिए माध्यम चाहिए नहीं चाहिए? इनके लिए चाहिए। क्या हो गया यार? तो लोग इनका वेग ताप पर निर्भर नहीं करता, इनका वेग ताप पर निर्भर करता है। चलिए एक और चीज़ है बेटा, कभी कभी आ जाता है विद्युत चुंबकीय की तरंगों और यांत्रिक तरंगों में अंतर। तो ये थोड़ा सा मतलब अलग नहीं है, बिल्कुल वही है, कुछ भी अलग नहीं है। ये अनुप्रस्थ है, यांत्रिक अनुप्रस्थ भी होती है और अनुदैर्ध्य ये दोनों को दर्शाती हैं। इनमें से अनुप्रस्थ दर्शाती हैं और अनुदैर्ध्य नहीं। ये विद्युत चुंबकीय की दोलन से और ये माध्यम के कणों के दोलनों से। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनके लिए होती है। निर्वात में गमन कर सकती है, निर्वात में गमन और फिर वही इन तरंगों का वेग अत्यधिक होता है। जैसे कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या थे, 1/N/1। इन तरंगों का वेग कम होता है क्योंकि अपने टाइम से वाणी लिखा, जैसे डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि तरंगों का वेग कितना हो, 332। तो अगर दोनों आ गए तो घुमा फिरा के लिख पाएंगे, लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे? आप कहें तो फिर से रिपीट करें पूरे क्वेश्चंस। तो इतने से जो मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अब मैं कोई चीज़ दिखाता हूँ, आप बताना ये क्या है, अगर लोग जानते हैं। पढ़ लो आराम से, पढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं। नंदनी बताइए। जी बताइए, नंदनी बोलिए, नंदनी बोलिए। हाँ, सनस्क्रीन लोशन, किस किस ने नाम सुना है सनस्क्रीन लोशन का? अरे यार इतनी किस हमारे पढ़ना है तो अच्छे से बताओ, किस किस ने नाम सुना? हमने सुना है गधे कहीं के, तुम लोगों ने नाम नहीं सुना है? क्या करती है सनस्क्रीन लोशन? धूप से बचाती है, लेकिन धूप तो अच्छी होती है, धूप तो अच्छी होती है। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, अब से अगर आप नहीं देखो, मैं तो अभी से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, खूब रिसर्च करके आता हूँ, लेकिन आप में से अधिकांश लोग क्या होते हैं कि सब ऐसे ही होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जब विद्युत चुंबकीय की तरंगों का नाम नहीं जल, तब तक प्रकाश के सामने था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी खोज कोई नहीं करता, वो चीज़ें हमेशा से होती हैं, बस जिसने पहली बार देख ली तो उसी का। कोई ये थोड़ी कि जिसने कैथोड किरणों की खोज की उसने कैथोड किरणें बनाई, बनाई थोड़ी हैं, उनको चल गया पता, खोज मतलब कहीं भी चीज़ थी वो हमें मिल गई। तो SPF-15 जो है बहुत धूप पड़ने लगती है तो ये माना जाता है कि दृश्य प्रकाश के साथ परावैगनी विकिरण भी आ रहा है। परावैगनी विकिरण में दृश्य प्रकाश की तुलना में रोहित ज़्यादा ऊर्जा होती है। क्या होती है? ज़्यादा ऊर्जा। वो हमारे टिश्यूज को क्या करने लगती है? डैमेज करने लगती है। क्या करने लगती है? डैमेज। तो ये पहले से खोज लिए गए थे, दृश्य प्रकाश से ज़्यादा हैवी होता है परावैगनी। क्या होता है? दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैजानी, हाँ, पीना, लाल। सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है बैगनी। क्या होता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होती है? बैगनी में। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कायम होती है, इसलिए अपन को कभी भी कमरे में बैगनी रंग का प्रकाश नहीं रखना चाहिए, कि वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा के फोटॉन उसमें होते हैं, आपकी आंखों को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर। तो बैगनी चल भी जाता है, लेकिन बैगनी से भी ऊपर होता है परावैगनी, वॉयलेट, सुपर अल्ट्रा वॉयलेट, यूवी रेज। याद आया? यूवी रेज से बचाता है आपको और फालतू के उसके बारे में बता देंगे, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, आप लोग चंद तक चक्कर में ना पड़ना है इन चीज़ों के, लेकिन अब ठीक है यार, का सका सब लोग समझ। फिर यूवी रेज, और सबसे कम होता है ऊर्जा होती है लाल में, कायम होती है लाल में, और लाल से भी कम होता है अवरक्त। क्या अवरक्त? अवरक्त नाम उल्टा से लगता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड ये भी काफ़ी काम का होता है, उसमें ऊर्जा काफ़ी कम होती है। तो इनकी खोज विद्युत चुंबकीय तरंगों के बाद पहले ही हो गई थी कि भाई सूर्य से विकिरण जो है दृश्य प्रकाश के अलावा और ही विकिरण आते हैं, परावैगनी विकिरण और अवरक्त विकिरण। अब लफड़ा ये है कि भाई साहब मैक्सवेल कह गए कि ये जो मैं तरंगें उत्पन्न करने का बोल रहा हूँ, ये जो तरंगे हैं ये प्रकाश की जैसी तरंगे हैं, लेकिन जो मैक्सवेल की अवधारणा ला के हर्ट्ज ने उत्पन्न की उनमें उतनी ऊर्जा थी नहीं, उनमें उतनी ऊर्जा थी नहीं। और उसके बाद जो किसने उत्पन्न की? मार्कोनी ने अच्छी बात उत्पन्न, लेकिन उनमें भी इतनी ऊर्जा, तो वो दोनों ही दिखती नहीं थी। जबकि प्रकाश तो दिखता है अंधेरे में, तो प्रकाश अपन को दिखता है जाते हुए, दिखता है। तो अगर विद्युत प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें या विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश तरंगें हैं और सब गुण गुण मिल रहे हैं, तो ये दिख क्यों नहीं रही हैं? देवांशु प्लीज़ बाजू वाली क्लास को थोड़ा संभालो यार, मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये दिख क्यों नहीं रही हैं? अंधेरे में तो कम से कम लाइट दिखे, जब टॉर्च जलाते हैं तो दिखता है नहीं लाइट। तो इतने पैसे लगा के जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न की हैं, अगर विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश तरंगें हैं
तो विद्युत चुम्बी की तरह कम से कम अंधेरे में जब जाएं, घंटी बजाएं, तो देखें रास्ता, थोड़ा प्रकाश का रास्ता अपन को दिखता है, वरना सच्चा तो अपन है। तो लोगों ने लगा कि सुनो ध्यान से, विद्युत चुम्बी की तरंग प्रकाश तरंग नहीं है, प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बी। और विद्युत चुम्बी की तरंगें जो होती हैं उनकी आवृत्ति बहुत कम भी हो सकती है, जैसा कि किसने सबसे पहले किसने आई थी, हर्ट्ज में, उतनी ऊर्जा नहीं थी, आवृत्ति नहीं मतलब ऊर्जा नहीं। और प्रकाश जो है एक थोड़ी ज्यादा आवृत्ति की है, क्या है, थोड़ा सी ज्यादा आवृत्ति की। तो पक्का ये बात है कि हमने जो बनाई है वो उतनी दमदार नहीं है, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है, जिसमें से हम एक देखते हैं दृश्य प्रकाश, उससे ज्यादा पावरफुल हम देख चुके हैं परावैगनी प्रकाश, और उससे कम पावरफुल होता है अवरक्त विकिरण, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। किसको एक्सप्लेन किया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैंने सीधे आप छोटे हैं, पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ तो मैं बताऊंगा काफी कुछ आपको। तो ये सब बातें बकवास हो जाने के बाद उनको लगा कि हाँ, जो हमने ही बनाई है ये भी क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जो हमने बनाई है बेटा, जिनको सिर दर्द कर रहा है वो भी क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग, तो लग गए सब रे अपने अपने काम में, कहले अब हम भी करें खोज। तो अभी तक जो क्रम के अनुसार 7 विद्युत चुम्बकीय तरंगें बनाई, मतलब खोज की जा चुकी है, ऐसी ऐसी ऊर्जा बढ़ा के 7 प्रकार की, और सभी इसी कैटेगरी में आएंगी, जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें वो सब इन्हीं कैटेगरीज में आएंगी। और इनके नाम रखे गए, खोजकर्ताओं ने इनके नाम रखे, और इन्हें फर्क केवल काय का है, आवृत्ति का, किसी में ज्यादा ऊर्जा है किसी में कम ऊर्जा है। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, बहुत मजा आएगा आपको आज, आपको इतना सारा ज्ञान मिल रहा है, बुक में देखो कहीं भी देखो वो ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान की बहुत सख्त आवश्यकता है मेरे भाई, ठीक है। अकेली बॉडी ये लगाने से कुछ नहीं होता, पता है लगाना क्यों है। चलिए, तो विभिन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज में बता रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति की परास क्या है, बहुत अधिक, मतलब बहुत कम आवृत्ति से बहुत अधिक आवृत्ति। सबसे पहले जो किसने बनाई थी, उनकी आवृत्ति क्या थी, बहुत कम। फिर उसके बाद मार्कोनी जो बनाई, उनकी आवृत्ति ज्यादा, इतनी ज्यादा नहीं थी, किसके बराबर, प्रकाश, मतलब प्रकाश तरंगों में उनकी बनाई तरंगों से ज्यादा ऊर्जा है। तो मैक्सवेल ने जब विद्युत अस्तित्व की भविष्यवाणी की, तब वो केवल दृश्य प्रकाश से ही परिचित थे, और 19,000 तक गामा किरणों, एक्स किरणों, ये सब रेडियो एक्टिव में निकले थे, आपको याद हो अगर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हो, पढ़ा है, ये सब रेडियो एक्टिव में निकले हुए, परावैगनी किरणों, अवरक्त किरणों की खोज कर ली गई थी। आगे चल के रेडियो तरंगें और सूक्ष्म तरंगें अस्तित्व में आई, जो रेडियो तरंगें सूक्ष्म तरंगें वो हैं जो किसने बनाई थी, हर्ट्ज ने और मार्कोनी। चूंकि ये सभी विद्युत चुम्बकीय की तरंगें हैं, अतः इनके सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं, समान, जैसे कि निर्वात में चार्ज कितनी, 3×10^8 आवेश नहीं होता है, और ध्रुवण के गुण का प्रदर्शन करती हैं। लेकिन रोहित, कहीं ना कहीं ऊर्जा कम बढ़ होने से कुछ निजी गुणधर्म तो अलग अलग होंगी, जैसे कि आप सभी 12th क्लास में हैं, तो आप सभी एक ही फिजिक्स की किताब पढ़ेंगे, वही मैथ्स पढ़ेंगे, वही फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सबका पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, अलग अलग। तो सामान्य गुणधर्म समान है, सभी की चाल कितनी है, 3×10^8, सभी की चाल है, सभी निर्वात में भी चल सकती हैं, ये सामान्य गुणधर्म है। लेकिन कुछ निजी गुणधर्म तो क्या होंगे, अलग अलग, जिसमें ज़्यादा ऊर्जा हो सकता है, वो ऊर्जा का अपन कुछ क्या कर पाएं, यूज कर पाएं, या ज्यादा हानि। तो है सब विद्युत चुम्बकीय तरंगें, सामान्य गुणधर्म समान है, पर निजी गुणधर्म क्या है, भिन्न भिन्न। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की है, और ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, सन भले आया ना आए, सन आपके बारे में बात कर लेना, मैक्सवेल ने अवधारणा कब दी थी, कितने आप कर सके। देखो भैया, थ्योरेटिकल चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कैसे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, जब आपको पढ़ाना होता है मॉडल, तो आपको मॉडल का मॉडल लेके आता हूँ, बल लगाना दिखाता हूँ। लेकिन ये चैप्टर है पढ़ाने लायक, इसको पढ़ा के दिखाओ, लोग कहते हैं वो तो थ्योरी है, निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो विद्युत चुम्बकीय तरंग खोजी गई थी वो थी दृश्य प्रकाश। ये तब खोजी गई जब लोगों को पता था नहीं था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग, दृश्य प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। आपको जानकार हैरानी होगी, विद्युत दृश्य प्रकाश की खोज किसने की है, न्यूटन। खोज नहीं की है, प्रकाश जिंदगी भर से यहाँ है, उनने एक कंसेप्ट दिया न्यूटन का, कणिका सिद्धांत। क्या है न्यूटन का, कणिका सिद्धांत। ये सबसे बकवास उनके द्वारा दिया गया है, उसको कोई नहीं मानता है, न्यूटन का एकमात्र फेल है, जो भी बकवास करी सब मानी दुनिया ने। ये ने दिया था रोहित 1666 में, बस ये बस। इसके बाद होती है अवरक्त किरणें। क्या, अवरक्त किरणें। किसने खोज की थी, विलियम हर्शेल ने, और 1800 में, मतलब ये तो उस समय कुछ होता ही नहीं, तो अवधारणा यहां से खोज चालू होती है। फिर आती है परावैगनी विकिरण, जिन्हें की थी J.W. रिटन ने। क्या आपको ये पहले से पता है, नहीं पता है, जो भी पहले से पता मुझे बता देगा कि वाला मुझे न्यूटन वाला पता था, अब तो चल गया पता। सबसे पहले देखो, न्यूटन जितनी फिजिक्स की चीजें थी शुरुआत में सब न्यूटन ने करी है, समझे, उन्होंने बोल दिया कि कणों से मिलकर बना के, वो कणों से मिलकर नहीं बना, न्यूटन का एक सिद्धांत है कणिका सिद्धांत, 1801 में। तो देखो कितने आसपास है रोहित, क्योंकि ये दोनों ही दृश्य प्रकाश से क्या है, आसपास। दृश्य प्रकाश से ज्यादा पावरफुल कौन है, परावैगनी, कम पावरफुल कौन है, अवरक्त। सभी का अपना अपना महत्व है। अवरक्त किरणों में इतनी दम नहीं होती रोहित कि वो अपनी आंखों पर क्या डाल पाए,
इफेक्ट डाल पाए। तो अवरक्त किरणों में हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप नहीं देख सकते तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोई और नहीं देख सकता। समझ रहे, आप केवल ज़्यादा ऊर्जा वाले देख सकते हैं, लेकिन उल्लू जो होता है वो कम ऊर्जा वाली किरणों में बहुत साफ साफ देख सकता है। ज़्यादा ऊर्जा वाली किरणें उसको अंधा बना दे, इसलिए बोलते दिन में उल्लू अंधा हो जाता है और रात में उसको दिखाई देता है, वो उसकी रेटिना है। सिंपल सी बात है, दो प्रकार के लोग हैं, एक को चांटे में जल लाल गाल पड़ जाते कि नहीं होते लाल, वो तो डिपेंड करता है कौन कितना क्या है सेंसिटिव है। तो ये आप कतई ना सोचें कि अगर आपको नहीं दिख रहा है किसी प्रकाश में या किसी प्रकार के विद्युत में तो दूसरे को उसमें दिखाई, वो डिपेंड करता है उसके लिए क्या सेंसिटिव है। अभी इसको आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ बताएंगे आपको। सूक्ष्म तरंगों की खोज की थी हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज, ऑल वी नो, 1888 में। फिर रोहित है एक्स किरणें, एक्स किरणों की खोज की थी रोंजन ने, ये शायद आपको पता हो, पता है केमिस्ट्री से। मानसी कितने याद है, अभी पूछेंगे हम। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रोंजन ने 1895 में। फिर अपनी गामा किरणें हेनरी बेक्यूरल, आपको पता क्यूरी बेक्यूरल नाम के दो साइड, ये रेडियो एक्टिविटी में खोज हुई थी गामा किरणों की, याद है गामा फोटॉन, शायद आपको याद हो केमिस्ट्री को। मैं तो बना फिजिक्स बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ, मैं सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आप तो दिन बताया ना, बहुत बच्चे बोल जाते हैं। गामा किरणों की हेनरी बेक्यूरल 1896, देखिए कितने पास पास, ये दोनों कितने पास हैं, और ये दोनों सन तो याद नहीं करने। आखिरी रेडियो तरंगें मार्कोनी 1896, बताइए आपके मोबाइल फोन कौन सी तरंगों पर चलते हैं, रेडियो तरंगों। और आपको जानकर हैरानी होगी रोहित कि रेडियो तरंगों की ऊर्जा सबसे कम होती है। फिर से सुनिए, रेडियो तरंगों की ऊर्जा सबसे कम होती है, सुनना है, ऊर्जा सबसे कम होती है। तो सर फिर अपन ज्यादा ऊर्जा वाले क्यों नहीं, क्योंकि अपने पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पा रहे हैं रोहित। क्या नहीं बन पा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट, जिससे अपन को क्या कर सकते हैं, डिकोड भी तो करना पड़ेगा, रिसीव भी तो करना पड़ेगा, भेजना भी तो पड़ेगा, तो सबसे कम ऊर्जा वाले भेजते हैं। ठीक है, अब अपन एक नई चीज बना रहे हैं, प्रकाशक तंतु ऑप्टिकल फाइबर, सुना है नाम, सुना है जियो फाइबर में रोहित क्या करते हैं बेटा, अपन कुछ रेशे लगाते हैं, कांच जैसे रेशे होते हैं, उनसे उन किरणों को परावर्तित कर प्रकाश संदेश भेज रहे हैं। किस संदेश भेज रहे हैं, प्रकाश, दृश्य प्रकाश रेडियो तरंगों की तुलना में तो काफी ज्यादा पावरफुल है, रेडियो तरंगों की तुलना में तो काफी ज्यादा पावरफुल, उसे बहुत स्पीड मिलेगी, क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा स्पीड मिलेगी। चलिए फालतू बात है, करने को बताते हैं संदेश कैसे पहुंचते हैं, तो सबसे कम इन्हीं से पहुंचाते हैं। और बेटा जो सेना होती रोहित वो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है, क्या का उपयोग करती है, क्योंकि अगर रेडियो तरंगों के सभी कोड लगभग सबको पता है, तो अगर सेना रेडियो तरंगों का यूज करेगी तो उसके जो सिग्नल मैसेज है वो कोई भी क्या कर पाएगा, कैच। तो सेना जो है नॉर्मली संदेश भेजने का उपयोग करती है सूक्ष्म, सबसे कम एनर्जी होती है रेडियो तरंगों में, उससे थोड़ी ज्यादा होती काय में सूक्ष्म तरंगों, बिल्कुल सही सुना, सूक्ष्म तरंगों को बोलते हैं माइक्रोवेव। तो बिल्कुल कल की क्लास में मत कीजिएगा, आपको कितना जानने मिलेगा, माइक्रोवेव नाम कितना अच्छा लग रहा है, यूवी से प्रोटेक्शन, समझ रहे हो, सबसे मजेदार सीसी क्लास में, कोई क्लास में मजा है ही नहीं। तो किस किस को इसमें से कुछ याद है, पहले से पता है, कौन सा पता था पहले से, फिर अपन कुछ शो खेलना है अभी, हाँ एक्स किरणों की रोंजन पता है, चलो पूछते हैं अपन, गामा किरणें हेनरी बेक्यूरल ये पता है, एक्स किरणें, हाँ हाँ पूरा नाम बोल सकते हैं आप लोग, ये देखो आप केमिस्ट्री वाले बड्डे अपन का है, चलिए। और दृश्य प्रकाश अवरक्त विकिरण पक्का, परावैगनी प्रॉब्लम है, हाँ बेटा चलो काफ़ी कुछ याद है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, देखो एक आप ध्यान से देखिए, कोई गांव है जिसका नाम है सहत, कोई गांव हो सकता है, गांव के अजीब अजीब नाम होते हैं, का नाम है सहत, वहाँ के एक राजा हैं अवहर रैमा, जैसे अजहर होता ना अजहर, अजहर तो नाम सुना होगा, वैसे नाम है अवहर रैमा, नाम क्या है अवहर रैमा, उनको परी दर्शन हुए, मतलब रात में कहीं घूमने गए होंगे तो उनको परी मिल गई, देख के खड़ा रहे है ना, तो एक बार आप इसको पढ़ के दिखाइए, सहट गांव के एक राजा, ठीक है सुनना आप जरा एक बार पढ़ो सहट, हाँ एक बार बिना कर गए, सहट गांव के एक राजा अवहर रेमार को परी दर्शन हुए। अब सुनिए, सूक्ष्म तरंगों की खोज की थी हर्ट्ज ने, गामा किरणों की बेक्यूरल ने, एक्स किरणों की रोंजन ने, राजा रोंजन, अवरक्त विकिरण हर्शेल, रेडियो तरंगे मार्कोनी, परावैगनी रिटर, दृश्य प्रकाश नासिर, ताली बजा दो भाई, समझ आया सबको कि नहीं आया, नहीं आया, तो ये अगर आप एक कथन याद कर लें तो आपको ये सातों के सातों क्या हो जाएंगे याद। अब यार बैजानी हफी नाला तो सभी बताते हैं, सुना है बैजानी हफी नाला, तो हमने सोचा तो हम कुछ थोड़ा सा नया बताएं आपको, ताकि आप बहुत अच्छे से सीख पाएं, मजा आया कि नहीं आया,
ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया, तो आप इस ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं किसकी खोज किसने की है। मैंने आपकी टेबल में भी ट्रिक लिख के रखी हुई है, ठीक है, आपको अभी असाइनमेंट मिलेगा, अभी क्या ले लो। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। देखो मैं आपको बताऊं, वर्णक्रम जो है वो पहले बनाया था दृश्य प्रकाश के लिए, इंद्रधनुष के रंग है ना, बेजानी हपीनाला, कि पहले हम केवल क्या जानते थे, दृश्य प्रकाश। लेकिन फिर किरणें बहुत सारी आएंगे, दृश्य प्रकाश इतना सा हो गया, वो किरणें बहुत सारी आएंगे, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें बहुत सारी होंगी। तो सबकी खोज होने के बाद इनको क्या लगा, इनको जमाएं अपन, जरा इनको लाइन से क्या जमाएं, जमाएं या तो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, या फिर आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, या तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में, आवृत्ति के घटते क्रम में, वो सब नहीं पता, वो सब अभिषेक सर याद कराएंगे। लेकिन जमाना तो पड़ेगा ताकि समझ में आए कि सर तो बोल रहे थे अभी कि रेडियो तरंगों में बिल्कुल ऊर्जा नहीं होती, फिर भी अपन उन्हीं का यूज कर रहे हैं संदेश भेजने के लिए, क्यों, क्योंकि अपने पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, अभी दृश्य प्रकाश की कोशिश कर रहे हैं कैसे, ऑप्टिकल फाइबर से। तो इतनी सारी बातें इनको जमाना है, तो ध्यान देना है विभिन्न गुणधर्मों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के आधार पर एक विशेष क्रम में रखा जाए तो इस अनुक्रम को विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये भी आ सकता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हो, लिखिए इनके नाम, लिखिए लाइन से, है ना। तो भैया आप लिख देना कि विभिन्न गुणधर्म मतलब जो अलग अलग गुण है इनकी वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को इनकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में जमाया गया है, और इस क्रम को, इस अनुक्रम को अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो बेटा अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम बने हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक आवृत्ति स्पेक्ट्रम बनाया है, क्या बनाया है, आपको बताना चाहेंगे कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति होती है 10^5 से 10^9, अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, आपको ये सब रखना नहीं है, वो क्रम पे ध्यान देना है। सबसे 10^5 से 10^9 आवृत्ति, 10^5 का माने क्या होता है, 1,00,000, क्या होता है, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर, 1,00,000। तो तुम्हारे लाने कम है, क्योंकि तुमने ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं। आप भी जानते हैं जो सूर्य हमें पावर दे रहा है वो पावर के वहाँ पर, अपन पृथ्वी पे तो कोई पावर नहीं बना सकते। अच्छा बताओ, सूर्य जितनी एक कमरे में रोशनी ला सकता है, उतनी रोशनी तुम्हें इस कमरे में लाने के लिए कितनी वाट की LED जलानी पड़ेगी, उतना ही प्रकाश होने के लिए, पॉसिबल ही नहीं है। आपको कभी अंदाजा नहीं, आप कितना भी प्रकाश कर लें पर जो बारीकी आपको सूर्य में दिखाई देती है, आपको अभी पानी का ग्लास लेके जाइएगा और कुछ दिखाई देगा, आप धूप में लेके जाइएगा उसमें कचरा दिखने लगेगा, आपको दिखने लगता है, तो इतना ज़्यादा पावर, तो आप उसकी तुलना कर ही नहीं सकते। तो देखिए आप, सबसे कम आवृत्ति किसकी है, रेडियो का। मेरी बात नहीं सुनोगे तो याद नहीं होगा, मैं बात तुमसे कर ही इसलिए रहा हूँ कि तुम्हें क्या हो जाए याद। सबसे कम आवृत्ति रेडियो का, सबसे कम कितनी, 10^5, 10^5 से लेकर 10^9 तक की क्या बनाई जा चुकी है, रेडियो तरंगें बनाई जा चुकी हैं। सबके गुणधर्म होंगे, उस सबने नाम रखे होंगे, तो रेडियो तरंगें 10^5, 10^9 तक की बनाई जा चुकी, 10^5 मानो तो 1,00,000 आवृत्ति, 1,00,000 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड चक्रों में कितनी, 1,00,000। अब विद्युत देख पे चुंबकीय वेक्टर होते होंगे इतनी स्पीड में प्रकाश की गति चलते हैं, विद्युत चित्र और चुंबकीय, तो कोई बात ही नहीं रोहित। तो यहाँ पे एक बात समझ गए, अगली तरंगें हैं सूक्ष्म तरंगें, किसने की सूक्ष्म तरंगों की खोज, सहट हर्ट्ज ने यार, हम पहले से, अरे यार पहला प्रैक्टिकल किसने किया था, हर्ट्ज ने, भूल गया यार तुम। तो सूक्ष्म तरंगें 10^8 से 10^12, तो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे कम किसकी होती है, रेडियो की, कम होती है उनके भाई बंधु होगी तुलना में, लेकिन आपके लिए तो ये बहुत, क्या 10^5, कौन सी 10^5, तुम 250 हर्ट्ज की प्रत्यावाही धारा उत्पन्न करके अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहे थे कि हमने पावरफुल चीज़ बनाने वाला ना, 50 हर्ट्ज की प्रत्यावाही धारा। तो बस ये बताना चाहते हैं कि जितना आप सोच रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बताते, आइंस्टीन कह रहे हैं कि मनुष्य केवल उतना ही जानता है जितना उसका साइज है, क्या साइज है मनुष्य का, 0, पहाड़ पे खड़ा दिखते नहीं, पृथ्वी पे खड़े क्या देखेंगे। चलिए इसके बाद है अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों में क्या है, 10^11 से 10^14, ठीक है, इतनी आवृत्ति की अवरक्त किरणें बनाए, मतलब इनमें आवृत्ति क्या होती रोहित, ज्यादा। अब आता है जिसको हम सब कुछ समझ रहे थे, वो असल में कुछ भी नहीं है, सबसे छोटा भाग दृश्य प्रकाश, 10^14 से 10^15, एनर्जी काफी है लेकिन आप देखें कि वेराइटी इतनी नहीं है, वेराइटी इतनी नहीं है। तो आप दुनिया को जो देख रहे हैं, आप इतनी सी दुनिया देख रहे हैं बस, दुनिया में बहुत कुछ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आप देख रहे हैं बस वो बहुत छोटा सा है। ऐसी बात सुनकर अपन को अपने आप को लगने लगता है अपन कहाँ कर रहे हैं, मतलब जो खोजें हुई हैं वो शायद 1% भी नहीं है, समझ रहे हैं, बस लोग लगे हैं दुनिया को समझने के लिए, सब लोग फेसबुक चलाने लगेंगे, सब लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगेंगे, तो खोज कौन करेगा, कोई समझेगा, फिर कोई समझ नहीं पाता दुनिया कैसे चल रही, फिर भी अपन ने बहुत कुछ किया है अपन ने, लेकिन ऐसा नहीं कि अपन सब कुछ कर लिया। देखिए आपने केवल अभी तक यही देखा है, ये वाले भी चुंबकीय, 10^14 10^15, तो फिर आता है बेटा परावैगनी प्रकाश, 10^15 10^16
17 काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा अपने लिए क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। इसलिए रोहित मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये जो ऊर्जा है बेटा ये इतनी अपने लिए खतरनाक नहीं है, पर कहीं ना कहीं कंटिन्यू ऊर्जा लग रही है तो अपने लिए खतरनाक है। आप ऐसी कोई जगह अब तो नहीं जा सकते जहाँ पर रेडियो तरंगे नहीं है। क्या आपके मुँह पर रेडियो तरंगे पड़ रहे हैं? जवाब है हाँ, लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको एहसास होना चालू होता है दृश्य प्रकाश से। कहाँ से? और उसके बाद चुभना चालू होता है परावैगनी प्रकाश, और उसके बाद सबसे ज्यादा खतरनाक एक्स किरणें। ठीक है, एक्स किरणें जो हैं उनकी तरंगदैर्ध्य बहुत कम होती है। तरंगदैर्ध्य बहुत कम होने का मतलब उनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा और बहुत गजब की ऊर्जा होती है। मुश्किल अगर आपके पास एक एक्सरे मशीन है और आप किसी को कंटिन्यू 5 मिनट एक्सरे डालेंगे तो निश्चित ही 1 सेकंड के लिए एक्सरे डाली जाती है, अगर आपने एक्सरे कराया है ना, वो बहुत महंगी आती है, तो उससे भी खतरनाक है। कौन सी बेटा? गामा किरण। पर चिंता नहीं करो, पर मनुष्य हैं, अपन खतरनाक से खतरनाक चीज़ से क्या करा लेते हैं काम, और क्या काम कराएंगे वो भी बताएंगे। सबको समझ में आएगा कि नहीं? मनुष्य को जानते ही हो तो मनुष्य तो किसी को छोड़ता नहीं है। अब बच्चों, अब अपन इसे स्पेक्ट्रम की तरंगे, तो ये आपको याद नहीं करना, ये कोई नहीं करता याद, है ना। मैं आपको बताऊंगा कौन सा पावर चीज़ याद करनी कौन सी नहीं करनी, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्या तो ये वाला या इसके उल्टा वाला। तो ये है आवृत्ति स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय आवृत्ति स्पेक्ट्रम। सबसे कम आवृत्ति कितनी होती है? रेडियो तरंग। उसके बाद आती है सूक्ष्म, फिर आती है अवरक्त, फिर आती है दृश्य प्रकाश, फिर आवृत्ति स्पेक्ट्रम होता है। वैसे तरंग दैर्ध्य भी होता है, तरंग दैर्ध्य में इस तरफ से बढ़ना, सबसे कम आवृत्ति की जगह सबसे अधिक आवृत्ति इसकी, उसकी तरंग सबसे क्या रहेगी? कम। ये तो कल ही बता दिया, तो उल्टा संबंध होता है, तो उल्टा भी होता है। कोई भी आप याद कर लें तो जो आपको लिखने आए वो लिख सकते हैं। तो इसको याद कराने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप लोगों ने दीपक राग का नाम सुना है? दीपक राग का नाम, दीपक राग एक ऐसी राग है जिसमें इतनी फ्रिक्वेंसी से गाया जाता है कि उस फ्रिक्वेंसी की तरंगों में इतनी ऊर्जा होती है कि दीपक जल जाते हैं। पहले लोग उसको मजाक समझते हैं, लेकिन अभी ये जो साइंटिस्ट हैं बताते हैं कि हाँ, तरंगों में इतनी ऊर्जा होती है। अरे अपन पिघला देते हैं आजकल, तो आजकल अपन लेजर वेजर से लोहे पिघला देते, तो कौन सी बड़ी बात है। तो हो सकता है कि उन लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की हो कि उतनी आवृत्ति की तरंगें वो अपने मुंह से उत्पन्न कर रहे हों, जैसे दीपक जल जाते। सुना है ना, एक होता है मृत्यु राग, मतलब अगर वो किसी को आप सुना दे तो मर जाए, तो वाकई मर सकते हैं आप, बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर 5 मिनट आप एक्स किरणों से मर जाएंगे तो हो सकता है, लेकिन उसमें गाने वाला ही मर जाता है। पर ये मैंने सुना है, आप लोगों ने सुना है इस बारे में? दीपक राग तो सुना होगा। तो सर जी एक नई राग लेके आए हैं, द्रप। बस दीपक ही वाली राग का नाम द्रप है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आप तो गधे हैं, आपको तो कुछ बनता नहीं, पर फिर भी जब आप बड़े हो जाएंगे तो किसी घर पहुंचेंगे तो उसका छोटा बच्चा बोले बहुत अच्छा गाती हूँ बेटा, एक गाना सुनाओ। तो नहीं, वो आते ही नहीं। तो नहीं, एक सुनाओ ना। नहीं, वो आते ही नहीं है। फिर मम्मी कहेंगे सुना जल्दी से, तो सुना देते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए उस लड़की का नाम रेशु है। क्या नाम है? रेशु। तो आप उसको बुलाते हैं कि रेशु आ, और द्रप एक गा, मतलब एक जो द्रव नाम का गाना है वो एक गाना हमें सुनाओ, पढ़ के दिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे प्रेम से, रेशु आ और द्रव एक गा, रेशु आ और द्रव एक गा। रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, परावैगिनी, एक्स किरणें, अब बजाओ बच्चों तक। समझ में आया सभी को? हाँ, बहुत झेला आप लोगों ने हमें 2 दिन। चलिए, तो सबको समझ गया बेटा? अब बेटा थोड़ा बात मत कीजिए, अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग दैर्ध्य स्पेक्ट्रम। क्या? तरंग दैर्ध्य स्पेक्ट्रम। आपको कुछ भी बताने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, सबके अपने अपने लॉजिक हैं, लेकिन जिसकी आवृत्ति ज़्यादा उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है? कम। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य 10^-14 से 10^-10। एक्स किरणों की -13 से रोहित -8, 10^-10 से -7। तो ये मैंने मीटर के साथ साथ एंगस्ट्रॉम में भी लिखी है, जो टेबल मैं आपको देने वाला हूँ, शायद मैंने दे दी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारा लिखा है। मैं चाहूँगा कि आप दृश्य प्रकाश बस का याद कर लें, 4000 से 7800। तो नॉर्मली लोग इसी की तरंग दैर्ध्य याद रखते हैं, कई लोग रेडियो तरंगों की भी याद कर लेते हैं। कौन? तरंग दैर्ध्य। ये दी हैं सारी मीटर में, और ये दी हैं सारी एंगस्ट्रॉम। दृश्य प्रकाश की आप कायम कर लेना, एंगस्ट्रॉम में याद कर लेना, बाकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर डीप लर्निंग में जाएंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे यार, अपन काफ़ी कुछ पढ़ना है, बस इसको आप भूलना नहीं। क्या नहीं करना? भूलना नहीं। एक बहुत टफ क्वेश्चन होता है, वो भी करा देंगे, वो ही आता है घूम फिर के, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों, चूंकि विद्युत चुंबकीय वर्ण तरंग की सभी तरंगों की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या है? भिन्न भिन्न, इसलिए उनकी सभी ऊर्जाएं भी क्या होंगी? भिन्न भिन्न।
अतः केवल निर्वात मन का वेग क्या होगा रोहित? समान होगा। अन्य माध्यमों होगा नहीं होगा वो पता नहीं है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। विद्युत चुंबी के वर्णक्रम का सबसे छोटा भाग कौन है? दशक। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप इसको बड़ा समझ रहे हैं कि ये सबसे छोटा, इसमें इतनी वेराइटी है नहीं, क्योंकि गामा किरण में बहुत वेराइटी। देखो सबसे बड़ा भाग आप देख के आ सकते हैं गामा किरण, सबसे ज्यादा बड़ा भाग क्या है? गामा। और निश्चित सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें है? गामा। कितनी ऊर्जा है? इतनी ऊर्जा है कि आपकी हड्डियों को गला दे, क्रॉस कर सकती है। ये किसने बताया था लोगों? हाँ, विष्णुदा ने बताया था। और एक्स किरणें, एक्स किरणें हड्डियों को नहीं मांस को कर देती हैं क्रॉस। चलिए बताएंगे। देखो क्रॉस करने का बड़ा सिंपल लॉजिक रोहित, कि जिस चीज के कारण दूर दूर है उसको क्रॉस कर लिए, और जिस चीज के कारण दूर दूर नहीं है उसको क्रॉस नहीं कर। मांस के कारण दूर दूर है तो क्रॉस कर लिए। सब में गैप होता है, क्या होता है? गैप। ब्लैक होल में कोई क्रॉस नहीं, क्योंकि उसमें कणों के बीच गैप नहीं होता। अगर मैं आपको जितनी एक ईंट है, ईंट नॉर्मल ईंट, उतना अगर मैं आपको सोना पकड़ा दूं तो आप सोना नहीं पकड़ा है। फिर से वीडियो देखा हो, सोना उठाते हैं लोग कांच के, उसमें से देखा है वीडियो। तो बताइए जितनी ईंट होती है अगर उतना मैं आपको सोना दे दूंगा आप उसको पकड़ पाएंगे? क्योंकि ईंट के कणों में क्या होता है? गैप। उतने आयतन में उतने ज्यादा कण नहीं है, लेकिन सोने के कण बहुत क्या होते हैं? पास। उतने ही आयतन में बहुत ज्यादा कण आ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? भारी। अगर एक ईंट का वजन 1 किलो है तो उतने सोने का वजन कम से कम 20 किलो होगा। 1 किलो भी नहीं होता ईंट का वजन, तो ईट बराबर अगर सुना तो उसका वजन कितना होगा? कम से कम 20 किलो। तो वो तो घर पर डिपेंड करता है, कण दूर दूर है तो कोई भी चीज पार कर जाएगी। लेकिन ये पार करने का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है बच्चों, तरंग दैर्ध्य। इसको समझाते हैं। देखो इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, लंबी तरंग दैर्ध्य, ठीक है? जबकि ये तरंग दैर्ध्य देखो ये क्या है? कम। दिख रही नहीं दिख रही? ये देखो इसकी तरंग की लंबाई कम है। अब आप लोहे देखो कि सोचो ये लोहे के तार के हैं, काय के हैं? और तुमसे हम कह रहे हैं कि तुम्हें मान लीजिए एक फुग्गा ही फोड़ना है, तो तुम इससे फोड़ना चाहोगे कि इससे? ए और बी। क्यों? बी की तरंग कम है सो वो नुकीली है। क्या है? ऊर्जा गजब की है। तो अब आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें है? गामा में। ऊर्जा ज्यादा है मतलब आवृत्ति ज्यादा है, और आवृत्ति ज्यादा है मतलब तरंग दैर्ध्य कम है, और तरंग दैर्ध्य कम है मतलब वो चीज क्या है? नुकीली। तो निश्चित ही क्या कर जाएगी? पार कर जाएगी। समझ में आया? नहीं आया? पक्का आया समझ में? चलिए। लेकिन रेडियो तरंगें रोहित पार नहीं कर पाती हैं। जब प्रकाश पार नहीं कर पाता बेटा इमारतों को, तो रेडियो तरंगें क्यों पार करेंगी? रेडियो तरंगें भी, रेडियो तरंगों में तो और कम आवृत्ति है, तो लेकिन उसके बाद परावेगनी जो है उनमें दम आने लगती है कि वो चीज़ों को क्या कर सकें? पार कर सकें। और आपकी स्किन भी पार करके आपकी टिश्यू क्या करने लगती हैं? डैमेज। और परावेगनी के बाद एक्स किरणें आएंगी, वो तो पार करती हैं, आपको पता ही, बस हड्डी को पार नहीं कर पाती, तो हड्डी का क्या बन जाती? परछाई। उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्स रे। लेकिन एक्स रे ऐसी के बाद आती हैं गामा, वो हड्डी को भी पार कर जाती है, हड्डी गल जाएंगी। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा उनमें क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा का उपयोग केवल पानी गर्म करने में नहीं किया जाता है ना, पानी गर्म करना है जिंदगी। चलिए, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का सबसे बड़ा भाग गामा किरण क्या है? गामा। और सबसे छोटा भाग क्या है? दृश्य प्रकाश। पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल भी ये नहीं भूलेंगे, बिकॉज मैंने दृश्य प्रकाश के बारे में बहुत बात कर ली और गामा। सबको समझ में आया बेटा? तो देखो आज अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान देते जा रहे हैं क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या ध्यान देते जा रहे हैं? अब अपन एक एक करके सभी किरणों के बारे में पढ़ेंगे कि किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं और इन किरणों के क्या यूज हैं। पेपर में आ सकता है गामा किरणों से आप क्या समझते हैं, इनके कोई दो गुण लिखिए। देखो मैं लिखवा तो एक मिनट में दूंगा, लोग तो क्या असाइनमेंट दे पढ़ाते जाते। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि शायद आप इसको क्या कर पाएं, अपने तक, अपने पास ला पाएं। आपने एक्स किरणों को देखा है, परावेगनी किरणों से बचने के लिए आप सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं, है ना? तो अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं गामा किरणों की उत्पत्ति काय से होती है? नाभिकीय अभिक्रिया। निश्चित ही आपने सुना होगा अल्फा बीटा गामा के बारे में केमिस्ट्री में। यूरेनियम और रेडियम जैसे रेडियोएक्टिव पदार्थों से स्वतः ही उत्सर्जित होते रहते हैं, ठीक है, ऊर्जा के रूप में। गुण, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ऐसे गुण दिखवाऊंगा जो आप में लगभग सब में लगे। देखो बेटा फोटोग्राफिक प्लेट कुछ नहीं होती है, एक प्लेट इसे ब्रोमीन पता होता है, सुना होगा आप लोगों ने। देखो कभी आपने हाथ है, ठीक है, आपने देखा होगा कई लोग अपन हाथ में उसके हाथ में निशान पड़ जाता है, कभी कभी कोई सेंसिटिव चीज पे आपका हाथ रखो निशान पड़ जाता है, पत्तों को बंद दबा दो सुबह का निशान पड़ जाता है। तो प्लेट जो होती है वो लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। काय के प्रति सेंसिटिव होती है? लाइट। आपको थोड़ा जान के अजीब लगेगा, जो प्रकाश होता है बेटा, क्या होता है? प्रकाश जो होता है वो जिस चीज़ पड़ता है उस चीज़ की इमेज लेकर वापस आता है। क्या लेकर वापस आता है? इमेज। आप मुझे इसलिए देख रहे हो कि आप पे प्रकाश पड़ रहा है, फिर वो आपकी इमेज लेकर वापस आ रहा है, हर किरण आपकी इमेज लेकर आ रही है और वो मेरी आंखों पर पड़ रही है, इसलिए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
अगर आप यहाँ नहीं भी हैं फिर भी आईने मुझे आप देख सकते हैं, बिकॉज आईना मेरी जो इमेज है उसको टकरा के आपकी आंखों तक पहुँचाता है। आईने में खुद को भी नहीं देखा, मुझे मुँह प्रकाश पड़ा, मुँह पे क्या पड़ा, प्रकाश पड़ा, फिर क्या हुआ, आईने पड़ा और वापस मेरी आँख पर आ गया, परावर्तन क्रिया सुना है। अब बताइए जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो मानसी अगर सूरज हमारे बैकग्राउंड में है तो फोटो अच्छी आती है कि सूरज हमारे उस तरफ है तो फोटो अच्छी आती है? पीछे पीछे में क्या प्रॉब्लम है, पीछे में पूरा प्रकाश कहाँ पड़ता है, कैमरे पे। लेकिन अगर वहाँ पे है तो पहले पड़ेगा मेरे मुंह पे, मुंह से टकरा कहाँ जाएगा, कैमरे पे। तो ये बहुत पुरानी चीज़ है, एक फिल्म होती थी पतली सी, अगर आपने किसी ने देखी, रील कहलाती है, किसी ने देखी, सोचा हम दो साल बाद कैसे पढ़ाएंगे इसको, उसी को बोलते बेटा उसके उसकी मतलब एडवांस फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट को दृश्य प्रकाश का सब प्रभावित करते हैं, दृश्य प्रकाश का अपन फोटो खींचते हैं तो गामा किरणें हो गई या हो गई, इनमें ऊर्जा रहती है वहाँ पे उसको क्या कर देती है, छाप देती है। तो फोटोग्राफ प्लेट को गामा भी करेंगी, एक्स भी करेंगी रोहित, और परावेग्नि भी करेंगे, और दृश्य दृश्य प्रकाश तक में इतनी ऊर्जा है कि उसको प्रभावित करेंगी, बस लाल नहीं करती। कौन सी नहीं करती, लाल। सबसे कम ऊर्जा वाले दृश्य प्रकाश कौन सा होता है, लाल, और सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला बैगनी। इसलिए हम कहते हैं कमरे में बैगनी प्रकाश नहीं रखना चाहिए, वो आंखों को बुरा इफेक्ट डालता है। समझ पा रहे हैं मेरी भाई, ठीक है? तो लाल इसलिए नहीं रखती, इसलिए फोटोग्राफी कमरे में, अगर आपने कभी फिल्मों में देखा हो जहाँ फोटो सूखती हैं वहाँ लाल प्रकाश होता है, क्या होता है, लाल। माने जैसे आप कैमरे से फिल्म निकालोगे तो तुरंत उसको क्या कर देगी, प्रभावित। तो मतलब अगर किसी फिल्म को आप रोहित धूप में निकाल दो तो पूरी फिल्म खराब हो जाएगी, पूरी फिल्म क्या हो जाएगी, इसलिए उनको कहाँ निकाला जाता है, लाल रंग वाले कमरे। देखा फिल्मों में तो देखा होगा, CID VID सब फोटो वोटो करा लाल कमरा, लाल, तो वो फैशन के लिए नहीं होता है लाल, लाल में इतनी ऊर्जा नहीं होती उसको प्रभावित कर सके। चलिए ज़्यादा बात हो गई, ये किरणें गैसों क्या कर देती हैं, आयन, बोर तो नहीं हो रहे तो बता देना है। देखिए गैसों में या कहीं पर मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकालने उसको क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा। तो उस कण पे आपकी ऊर्जा जाए और वहाँ सतह पे आए, सतह वितरित हो, और कण से फिर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेंगे, वो कार्य फलन से ज़्यादा जैसी ऊर्जा होगी रोहित, जाना जाएंगे। समझ में आया? अब आपको सुनिए ध्यान से बेटा, इस बात को आप गौर करो कि सूर्य से सातों प्रकार के विकिरण आते हैं, सूर्य से सातों प्रकार के विकिरण आते हैं, गामा भी आती है, एक्स भी आती है। अब गामा किरणों की विभेदन क्षमता इतनी है कि वे पहाड़ को पार कर जाएं, ये सड़े से बादलों को क्यों नहीं कर पाएंगे। तो जब सब आ रही हैं तो अगर पृथ्वी पर गामा किरणें आ रही तो अपन तो निपट चुके होते अभी तक, और ऐसे कई ग्रहों पर रोहित हो रहा है। लेकिन गजब की बात यह है कि पृथ्वी के बाहर जो कण हैं, पृथ्वी के मतलब से बाहर वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग में जो कण हैं, उन कणों से गामा किरणें इलेक्ट्रॉन निकालने में व्यस्त हैं। कहाँ व्यस्त हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालती हुई अपनी ऊर्जा किसको देती हैं, कणों को। इसलिए कण पृथ्वी के बाहर के सबसे बाहर है आयन मंडल, ये मैंने आपको बताया था, और वो ही है आयन मंडल जिसमें आवेश हैं। तो पृथ्वी घूमती है और वो आयन भी घूमते हैं, इसलिए पृथ्वी का क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, बताया था। कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं है, मैंने आपको इतना ज्ञान दिया है कि मैं अगर एक घंटे बोलते रहूँ तो आप मना नहीं सकते, सर आपने नहीं बताया। तो ये आप ध्यान दें, गामा किरणें एक्स किरणें अगर पृथ्वी तक पहुंच जाती रोहित तो समझ लो पृथ्वी पर जीवन क्या, एक पेड़ पौधा नहीं होता। जब 5 मिनट में आप पृथ्वी को उत्पन्न करने से मर सकते हो तो वो तो सूर्य से आने वाले हैं। तो ये भगवान की खुशनसीबी भी, आप समझो उस ग्रह पर कुछ ऐसा है जो गामा किरणें और वो आ रही हैं, लेकिन बाहर के जो आयन मंडल है वहीं के कणों से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या है, व्यस्त हैं। तो वहाँ आयन बन रहे हैं, समझ में आए? तो आयनित करने के लिए क्या करना है, अंदर जाना है और उसको ऊर्जा देना है। सबको समझ में आया कैसे वो आयनित कर देती, नहीं आया सामने? सोचो अगर बाहर कण नहीं होते तो आयन नहीं होता, वो सीधी कहाँ जाती, पृथ्वी पर। अपन सब बर्बाद, गामा किरणें एक्स किरणें यहाँ रुक गई, फिर नीचे जाके आयन मंडल के बहुत नीचे, आयन मंडल तो 400 किलोमीटर हुआ होता है, 80 किलोमीटर पे एक मंडल होता है ओजोन मंडल। क्या होता है, ओजोन मंडल हमेशा से नहीं था, ऑक्सीजन से ओजोन बन जाती है। ऑक्सीजन से क्या बन जाती है, ऑक्सीजन से ओजोन बनाना बहुत कठिन कार्य है, उसके लिए बहुत ऊर्जा चाहिए होती है, उतनी ऊर्जा जितनी विद्युत स्पार्किंग के समय होती है। क्या समय होती है, अगर आप बरसात में देखें जहाँ विद्युत स्पार्किंग हो रही है तो वहाँ को हल्की सी ओजोन की गंध आएगी, क्या गंध आएगी, क्योंकि विद्युत स्पार्किंग में ऊर्जा होती है तो वो आसपास की ऑक्सीजन को बदल देती है, ओजोन में बदल देती है। लेकिन ओजोन तो लोग कहते हैं ना ओजोन परत जो है वो परावैग्नि किरणों को अवशोषित कर लेती है, ये बिल्कुल ही गलत है, वो अवशोषित नहीं करती। बस ये होता है कि ऑक्सीजन वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन का अणु उस ऊर्जा को अवशोषित करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, ओजोन। नहीं आया समझ में? तो अब आज कम से कम 12वीं के क्लास के बच्चे तो ये नहीं बोलेंगे कि ओजोन किरण क्या करती है, अवशोषण नहीं करती, परावैग्नि किरणों क्या करती है। तो देखो कोई भी कण पे जो पड़ेगा तरंग, वो तरंग की ऊर्जा वो तभी अवशोषित करेगा जब वो भी उतना ही साइज का हो जितनी क्या हो, तरंग दैर्ध्य। तो कण बहुत छोटे हैं आयन मंडल में, लेकिन गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य भी क्या है, बहुत कम, जिस कारण वो भी क्या है, बहुत छोटी, मतलब साइज में क्या है, बहुत छोटी, तो अवशोषित कर लेता है। लेकिन परावैग्नि विकिरण
को अवशोषित नहीं करता, तो परावैगनी विक्रिया आयन मंडल को पार करके कहां आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, वहां ऑक्सीजन से क्या करके क्या बनाते हैं, ओजोन। अगर वो ही पृथ्वी पे आ जाए तो पृथ्वी पे जीवन नहीं होता, और दृश्य प्रकाश इतना भी छोटा नहीं होता कि सबसे क्या कर ले क्रिया, तो वो कहां आ जाता है, नीचे। उसके साथ थोड़ा बहुत क्या आता है, अवरक्त भी आ जाता है। अवरक्त प्रकाश में गर्मी का गुण होता है, मतलब उष्मीय गुण होता है, उष्मीय गुण सम्य होता है, पर अपन उसकी पृथ्वी के पदार्थ हैं उसकी उष्मा को क्या करते रहोगे, अवशोषित, क्योंकि वो भी उसी साइज के होंगे, और अवरक्त विकिरण की तरंग दैर्ध्य कोटि भी उसी साइज की होगी। फिर से एक बात दोहराएंगे, एक मेन पॉइंट, कोई भी कण किसी तरंग की ऊर्जा को तभी अवशोषित करता है जब उस कण का आकार उसकी तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है। तो आयन मंडल के कण बहुत छोटे होते हैं, किस कोटि के होते हैं, जितनी गामा किरणें और एक्स किरण, तो अवशोषित करते हैं, ऊर्जा लेते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, बना दिया एक बहुत लंबा चौड़ा आयन मंडल। आपका क्या है, आपका है ही कितना, 1-2 किलोमीटर का है, बाकी तो सब भगवान का है, 150-200 किलोमीटर का आयन मंडल है। उसके बाद परावैगनी किरणों को क्यों नहीं करते, उनका साइज छोटा है, परावैगनी किरणों की तरंग थोड़ी बड़ी है, उनको कौन अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाते हैं ओजोन। ओजोन परत में छिद्र नहीं होता है, पर क्लोरोफॉल क्लोरोकार्बन वो होता है, क्लोरोफॉर्म से छिद्र कैसे करते हैं, जाके सिर क्यों नहीं आ रहे हैं लोग, है ना, सफेद धागा सिल दो पता भी नहीं देगा किसी। फिर हमें बाद में समझ में आया कि छिद्र विद्र नहीं होता, जहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जमा हो जाता है वहां ऑक्सीजन से ओजोन बनने की क्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, समझ रहे हो, एक विष उत्प्रेरक का काम करता है और पूरी क्रिया करते समाप्त, फिर परावैगनी किरणें जब अवशोषित नहीं होगी तो वहां आएंगी प्रतिवृत्त, समझ में आया, छेद नहीं है, समझ में आया। बच्चों को पढ़ाया जाता है, आप तो 12th क्लास में कुछ तो ज्ञान ले जाएगी, चलिए सबको समझ में आया कि किरणें गैस को क्या कर देती हैं, आयन, गैस के कण बहुत छोटे होते हैं, उसी तरह की होती हैं, उन कणों के अंदर, गैस के कणों के अंदर जाती हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉनों को उत्प्रेरित करती हैं, उच्च लेवल पे आते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्या ये और कोई, बिल्कुल काफी और कर सकती है, गामा के अलावा एक्स भी कर सकती हो, कभी कभी परावैगनी भी कर सकती है, डिपेंड करता है कण का साइज क्या है, सब में ऊर्जा है, सभी ऊर्जा दे सकते हैं, पर लेगा कौन, पृथ्वी किसकी ऊर्जा लेती है, अवरक्त की, उनका साइज पृथ्वी के हिसाब से, पृथ्वी जी ने कायों को अवशोषित करते हुए अवरक्त को, और गर्म होती है, चलिए पका दिया। ये किरणें प्रदीप्ति उत्पन्न करती, प्रदीप्ति मतलब चमक, हर प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग चमक उत्पन्न करती, बस ये चमक को आप देख नहीं सकते क्योंकि आंखें आपके लिए सुग्राही नहीं है, आप किसी चमक देख सकते दृश्य प्रकाश की, कभी कभी परावैगनी विकिरण की, अगर पूरे में दे रहा हो केवल परावैगनी विकिरण है और कुछ नहीं है, रोहित समझ गए, चलिए। और आप अवरक्त भी देख सकते हैं, अगर पूरे में दे रहा हो और कुछ नहीं है। ये किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक, भेदन क्षमता समझते हो, तीर नहीं है, पार करने की क्षमता, सर्वाधिक मतलब कितनी सर्वाधिक, इस खम्भे को पार कर देगी बहुत आराम से, दृश्य प्रकाश कर देगा खम्भे को पार, नहीं, एक्स किरणें भी कर देंगी, परावैगनी नहीं कर पाएंगी, परावैगनी नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि तरंग दैर्ध्य कितनी कम है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें है, गामा में, तो आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी हुई, गामा की, तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी हुई, पकड़ा है ना बेटा, देखो हम तो बिना देखे इतना बोले, तुम भी भूलोगे बेटा, सुनो बस मेरी बात को, ठीक है। उपयोग है एथिलीन से पॉलिथीन बनाना, शायद आपने पढ़ा हो, मुझे पता नहीं, पढ़ा है, नाभिकीय संरचना का पता, अब ध्यान से सुनो, नाभिकीय संरचना मतलब नाभिक के अंदर की संरचना, तो नाभिक के अंदर कौन जा सकता है, इसका साइज उतना ही छोटा हो, किसका है, गामा किरणों का, अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में। अब आप समझिए ध्यान से, वो ना हो तो आप, अवांछित कोशिकाएं क्या होती हैं, कैंसर कोशिकाएं, जब कोई कोशिका बहुत बढ़ जाती है, उसमें गांठ पड़ जाती है, तो उसमें कुछ विषाणुओं को जीवाणु कैंसर की बैक्टीरिया अटैक पनपने लगते हैं, वो कहलाती हैं अवांछित कोशिकाएं। देखो कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पर मार्केट इतना बड़ा हो गया है रोहित, मार्केट समझते हो, दिल्ली में अब एयर प्योरीफायर बिकते, मैंने आपको बताया था एयर प्योरीफायर, हगन में जगह लगा है काना बेकर्स में, जैसे एयर कंडीशनर होता है ठंडा करता है, वैसे एयर को प्योर करने वाला, और ये मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि अब वो चाह के भी दिल्ली को साफ नहीं होने देंगे, मार्केट एक बहुत बड़ी चीज़ है। कैंसर कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, कोशिकाओं का बढ़ जाना कैंसर है, लेकिन आपको दवाई देते हैं वो बढ़ती जाती, और जब सब कुछ खराब हो जाता है, जब वो कम नहीं हो रही होती रोहित, तो बोलते हैं अब तुम कीमो करा लो, क्या करा लो, कीमो क्या है, बहुत सिंपल, गामा किरणें डालते हैं और कोशिकाओं को क्या करते हैं, नष्ट। लेकिन यहाँ एक नौटंकी है, कभी आपने पिंपल फोड़ा है, हाथ से फोड़ा है, क्या होता है, उसको आप निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे आप वो फोड़ते हैं तो एक और हो जाता है, पता क्यों, क्योंकि उसके जो कीटाणु हैं वो आपने साफ कर लिए, लेकिन थोड़े बहुत तो लगे रहे, और अगर आपकी वो जगह सेंसिटिव है तो वहाँ फिर से वो कीटाणु और पनप जाएंगे, खेल हो जाएगा। अब आप सोचिए, जब आप अंदर जो कोशिकाएं हैं उनको जब आप फोड़ देंगे तो फूट तो जाएंगी, उस समय तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उनके वो कीटाणु कहाँ जाएंगे, कितनी सफाई हो जाएगी, प्राण से बताओ, पूरी सफाई हो जाएगी, और वो तो अंदर है ना, गले के अंदर, तो बस राहत मिलेगी, पहली बार 6 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 1 महीने में कीमोथेरेपी, फिर हर 1 महीने में, फिर हर 15 दिन में, फिर हर 5 दिन, फिर डॉक्टर कहेगा अब आप सबको बुला लीजिए, केवल पैसे लूटने का काम है ये, शुद्ध में कैंसर का इलाज ये लोग करते ही नहीं है। मैंने 10 केस देख लिए, मैंने आपको बताया था, तो मैं तो बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अवांछित कोशिकाएं आए नहीं तो अच्छा है, नष्ट करने के उपाय हैं रोहित, लेकिन ना ही आए तो ही अच्छा। और एक बात बताओ, एक सही बात बताओ,
जब गामा किरण डालोगे तो उस बात की लिखित गारंटी दो कि केवल बुरी कोशिकाएं नष्ट होंगी, अच्छी नहीं होंगी। इस बात की गारंटी दो कि गामा किरणों का जो घाव बना गया वो सूख जाएगा, किसी चीज को गारंटी नहीं। वो साइन ही करवा लेते, वो तो असल पैसे दोगे, अब तक वेंटिलेटर क्या होता है, धड़कना बंद हो गया, दिमाग बंद हो गया, अब जो ऐसे लगे हैं ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन खींच नहीं पा रहे, जब तक पैसे हैं तो ठीक बंद कर लेंगे, सोच मर तो गई। बहुत कम लोग होते जो वेंटिलेटर बैठ के वापस आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, पर घुमा फिरा के वो ही है। लोग कहते हैं कि अवांछित कोशिकाएं जो गंदी खराब कोशिकाएं होती हैं उनको लगातार भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसा एक थ्योरी है, लगातार भोजन की आवश्यकता होती है। अगर हम एक दिन व्रत रखें, वो भी कौन मतलब पानी वाला या पानी वाला, मतलब केवल पानी पीने वाला, कुछ भी ना खाएं, तो अवांछित कोशिकाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं, ऐसा सुना है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। कुल मिला के गामा किरणों से क्या करते हैं, अवांछित कोशिकाएं नष्ट। क्या एक्स किरणों से कर सकते हैं, जवाब है हाँ, एक्स किरणों से भी कर सकते हैं, उनमें भी जब की ऊर्जा होती है इतनी ऊर्जा होती है वो तुम्हें भेद सकती हैं, पर फिर भी कैसे करते हैं, गामा किरण बहुत हाई कीमोथेरेपी सुना है, पर वही कैंसर के इलाज में। ये क्या है, क्या है ये, तो बताओ क्या पढ़ने वाले हैं अपन, एक्स किरण क्या करने वाले हैं। तो एक्स किरणें क्या होती हैं, मुझे तो पता नहीं, बताना पड़ेगा। एक्स किरणें क्या होती हैं, हमने सुना होगा किसी भारी धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की बौछार से एक्स किरण उत्पन्न होती है। परिभाषा पढ़ी है, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना, कमाल है, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं। गुण ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, जब तक दृश्य प्रकाश पे नहीं पहुंच रहे तब तक सब फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। अगला क्यों करती है पता ही है, प्रदीप्ति सब वही है, वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। ये किरणें मानव शरीर को भेद सकती हैं किंतु हड्डियों और धात्विक पदार्थों द्वारा, इसका मतलब समझते हो दया, नहीं समझते, इनकी भेदन क्षमता गामा किरणों से क्या होती, कम। देखो हड्डियों से तो ऐसा है कि आप शरीर पर डालोगे तो जो उस तरफ पार जाएगी, क्या जाएगी, पार, जिस प्लेट पे छपता है, प्लेट रख, किसी ने कराया एक्सरे कि नहीं, एक प्लेट रख देते हैं फिर ऊपर से डालते हैं तो वो पार कर जाएंगे, क्या करते हैं हड्डी को, हड्डी क्या बन जाएगी, परछाई, हड्डी क्या बन जाएगी, परछाई, उसी को क्या बोलते हैं एक्सरे। लेकिन इससे गजब का काम है, सोचो कोई बाबा जी ने कही तुम्हें तो खुदाई कर लो, जमीन नीचे सोना निकाले, कहाँ निकाले, तो तुमने खुदाई कर ली और निकलो ने तुमने को अच्छी बहुत सराई मारी। आप ध्यान सुनो, उसकी जगह एक आता है एक्सरे अलार्म, उसमें क्या होता है रोहित के अंदर एक्सरे भेजी जाती है, क्या भेजी जाती है, एक्सरे, एक्सरे जमीन को पत्थर को बहुत आसानी से पार कर ले, लेकिन सोने को पार नहीं कर। तो अगर वो अंदर गई और अंदर सोना है तो वो टकरा के कहाँ आएगी, वापस, और वापस आएगी तो वहाँ पे वो घंटी में एक्सरे होगी, वाली घंटी रहेगी तो बच जाएगी, मतलब सोना है, वरना सोना नहीं है। तो लोगों को सोना है कि नहीं सोना है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ऐसे क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पूरी फिजिक्स खत्म है, क्यों पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, कभी रिलैक्स रहा करो। मैं बस ये चाहता हूँ, क्वेश्चन लगे कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बस ये चाहता हूँ जब आखिरी में आपको जाए तो अंदर से एक अफसोस हो कि हाँ यार अब उतना सीखने नहीं मिलेगा, है ना। दो प्रकार के लोग तो क्लास खत्म नहीं कर रहे, खत्म नहीं कर रहे, कई लोगों को लगता है क्लास खत्म क्यों क्यों हो गई, तो उपयोग पढ़ लेते हैं, टूटी हड्डी का पता लगाने में, शरीर के अंदर बाहर कणों की उपस्थिति का पता लगाने में, शरीर या बैग के अंदर रखे किसी छुपाकर प्रतिबंधित सामग्रियों का पता लगाने में। अब आपने फिल्मों में देखा नहीं हो, कुछ कुछ रख के ले जाता है अगर तो पता चल जाता है, लोग इतने खतरनाक होते हैं और इतना पैसा रहता है इस चीज़ में, हीरे जब लोग स्मगल करते हैं तो जांग को चिरवा के, जांग को चीर के उसके अंदर बैग रख के ऑपरेशन करा के एक दो महीने उसको रिकवर करते हैं, क्या करते हैं, रिकवर करते हैं कि भाई चलो रिकवर कर लो, और फिर जब वो दाग मिटाते हैं फिर छः महीने बाद उस सिरे की स्मगलिंग, मतलब छः महीने वो अपनी जान के अंदर, इतना क्रेज है पैसों का। लेकिन एयरपोर्ट पे आसानी से मशीनें लगी होती हैं, वो तुम्हारी हड्डी को पार कर जाएंगी, मतलब हड्डी की चतराई करेंगे, हड्डी के साथ साथ हीरा, हीरे की डेंसिटी और ज़्यादा होती रहे तो हीरे को पाने का समझ आ जाएगा कि आप हीरा लेकर जा रहे हैं। देखिए हमने कहा था मनुष्य इतनी नुकसान वाले, एक्सरे ने कितने नुकसान दे थी लेकिन कितने उपयोग निकाल दिए, गामा किरणें कितनी नुकसान दे थी लेकिन कितने उपयोग बना रहे हैं अपन खुद, बाहर से नहीं मिल रही। तो धात्विक पदार्थों में किसी दरार या दोष का पता लगाने में, अगर आपके धात्विक पदार्थ या कोई चीज़ ऐसी है आपको कोई बेचने आता है जिसमें सोना बाहर से फुटा हुआ है और अंदर से सोना नहीं है और आप उसका पता करना चाहते हो, आप एक्सरे डालिए, अगर कहीं बीच में थोड़ी भी दरार होगी तो वहाँ से दरार से एक्सरे निकल जाएगी और बाकी जगह से वापस, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर दरार है। इसलिए आपको सोने की चीज़ों का भी क्या कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, हड्डी की तरह जैसे हड्डी में हल्की दरार होती है एक्सरे में आती है, वैसे सोने की में दरार आ जाती है। क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाना, इसका केमिस्ट्री में सुना हुआ कि चीज़ों की संरचना होती है, अणु जमे होते हैं वो क्रिस्टल कहलाती है। विशेष प्रकार के कैंसर और ट्यूमर के इलाज, विशेष प्रकार मतलब जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ, उनको अपन इससे क्या कर सकते हैं, कीमो कर सकते हैं। एक्स किरणें जीवों और सजीवों
जीवों और सजीव उत्कों को हानि पहुंचाते हैं या नष्ट कर देते हैं। गामा तुरंत कर देगी, एक्सटर्नल में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन नष्ट कर सकती है। अतः इनके अत्यधिक और अनावश्यक उद्भासन से बचना चाहिए। बच्चों थोड़ी चीज़ के लिए कभी एक्सरे नहीं कराना चाहिए, कभी MRI नहीं कराना चाहिए, इस बात को आप समझें, ये सही नहीं होती। और बच्चों को जब तक जान ना जा रही हो तब तक कभी एक्सरे और MRI नहीं कराना चाहिए। उनके टिश्यूज बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, समझ पा रहे हैं। बच्चों के लिए कभी भी ये चीज़ें यूज़ नहीं करें। देखो वो तो एक्सरे माने एक्सरे, टिश्यू है उनको डैमेज तो करेगी। अगर आप एक्सरे करा तो उस समय बहुत सारे टिश्यू डैमेज होते हैं, वो हड्डी से मजा करने नहीं जाते, उसको क्या पता होता है एक्सरे है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अनावश्यक इसको बार बार अपन यूज़ ना करें। कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि 10-15 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को सिर दर्द हुआ, कहने लगे MRI करा दे। अरे बहुत पैसा है तुम्हारे पास तो MRI, दिमाग माने हमारे बेवकूफ़ हो गए। जब दिमाग में कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो MRI कराते हैं वो इतने लोग। MRI पैसा हो गया लोगों के पास, और 10-15 में हो रही है आजकल, लोग सोचते करा लो, लेकिन अपन को कराना नहीं चाहिए। विकिरण अपने लिए सही नहीं है। जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होता है MRI का, बच्चों का सर दर्द कर रहा भैया टेबलेट दिलाओ, योगा कराओ, त्राटक कराओ, चश्मे की जांच कराओ, ये क्या बात तुम MRI करा रहे हो। मैंने ऐसे बेवकूफ़ अपने सामने देखे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा क्या है, पैसा। जैसे लोगों के पास पैसा आया वो सोचते कि महंगी से महंगी चीज़ करें, ना उसका फ़ायदा देखते हैं ना उसका नुकसान। ठीक है, तो वैसे आपको बुरा बहुत लगेगा, लेकिन आज के लिए इतना ही।